नमस्कार, मैं निधि तिवारी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। फॉरेन मिनिस्ट्री ने 21 से 27 फरवरी 2022 के दौरान आजादी का अमृत महोत्सव स्पेशल वीक सेलिब्रेट किया और इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। ये देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 हफ्तों तक मनाए जाने वाले कार्यक्रमों से रिलेटेड है। अमृत महोत्सव स्पेशल वीक प्रोग्राम के चलते 27 फरवरी 2022 को फॉरेन मिनिस्ट्री और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस यानी कि ICCR ने संयुक्त रूप से मथुरा रोड पर बने पुराने किले में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में उत्तर प्रदेश से चरकुला एवं कथक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया। इस कार्यक्रम में भारत के 25 राज्यों के 175 कलाकारों और संगीतकारों ने भी प्रस्तुति दी। इस समारोह में उत्तर प्रदेश के कलाकारों ने चरकुला और कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। बता दें, चरकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य कला ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचाया है। पूर्व में होली या उसके दूसरे दिन रात्रि के समय गांवों में स्त्री या पुरुष स्त्री वेश धारण कर सिर पर मिट्टी के 7 घड़े तथा उसके ऊपर जलता हुआ दीपक रखकर अनवरत रूप से चरकुला नृत्य करते हैं। गांवों के सभी पुरुष नगाड़ो, ढप, ढोल वादन के साथ रसिया गायन करते हैं। वर्तमान में 38 गोल पंखड़ियों के आकार वाली चिड़ियों के आकार के लकड़ी से बने लगभग 20 किलो वजन चौकटा के मिट्टी या धातु बर्तन के ऊपर रखकर और पंखड़ियों पर 38 जलते दीपक के साथ आकर्षक मुद्रा में ये नृत्य किया जाता है। नृत्य के दौरान सभी दीपक जलते रहते हैं। ब्रज के उमरी, रामपुर और मुखराई गाँव का चरकुला नृत्य काफी प्रसिद्ध हो चुका है। यहाँ की महिला कलाकारों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नृत्य किए हैं। इस नृत्य के कलाकारों को मॉरिशस, नेपाल और उसके बाद जर्मनी में आयोजन में भाग लेने का भी अवसर प्राप्त हो चुका है। वहीं कथक की बात करें तो कथक भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जो आज भारत के 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्रचलित है। कथक शब्द की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है। कथक शब्द का अर्थ कथा को नृत्य रूप में प्रस्तुत करना है जो प्रायः दंत कथाओं, पौराणिक कथाओं और महाकाव्यों की उपकथाओं के विस्तृत आधार पर कहानियों का वर्णन करते हैं। कथक को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें स्वांग और मुद्राएं बाद में जोड़ी गईं। कथक नृत्य 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है। ये 3 अलग रूप 3 अलग स्थानों यानी कि बनारस, जयपुर और लखनऊ में किए जाने के कारण है। 16वीं सदी के आसपास ये कला दरबारी रूप में रूपांतरित हो गई और मुगल शासनकाल के दौरान ये अपने चरम पर पहुंच गई। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के समय में ये कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई और इसमें गजल और ठुमरी के समायोजन का भी प्रयास किया गया। कथक ही भारत का वह एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध उत्तर भारत तथा मुस्लिम संस्कृति से रहा है। 16वीं शताब्दी के अंत तक कसे हुए चूड़ीदार पैजामे को कथक नृत्य की वेशभूषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। पारंपरिक कथा का संगीत ठुमरी और अन्य गायन गीत रूपों पर आधारित होता है और इसमें मुख्य रूप से तबला, पखवाज और सारंगी जैसे संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इस नृत्य में पैरों, हाथों और आंखों की भाव भंगिमाओं के द्वारा हिंदू पौराणिक कथाओं को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। कथक में पूरा ध्यान लय पर दिया जाता है। इस नृत्य में पैरों की थिरकन और घूमने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कथक के प्रमुख कलाकारों में बिरजू महाराज का नाम प्रमुख है जिनका भी हाल ही में स्वर्गवास हो गया। बिरजू महाराज के बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हमारी वीडियो की लिंक पर भी विजिट कर सकते हैं। फिलहाल आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।